सो चलिए, हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 24 फेब का फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वीडियो में बताने वाला। चलो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। और जिन लोगों ने अब तक मेरे को ट्विटर पर फॉलो नहीं किया, यहाँ पे देख सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। इस तरह के की लेवल्स और इंपॉर्टेंट एस्ट्रो टाइम में आपको डाल देता हूँ। आज निफ्टी का की लेवल्स 17,485 30, जिसे 530 480 के बीच में सपोर्ट लिया, तो निफ्टी ने देखो किस तरह से मोमेंटम किया। एस्ट्रो टाइम भी मैंने आपको बताया कि 9:25 के बाद एक बड़ा मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग रैली अपसाइड के लिए देखने को, 1 PM के बाद भी देख सकते हैं अपसाइड के लिए मोमेंटम, 2:15 के बाद एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को। चलिए, ये जो एस्ट्रो टाइम से एस्ट्रो टाइम किस तरह से वर्क किया एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर। इस तरह के एस्ट्रो टाइम्स वगैरह चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हर कुछ अपडेट में देखो। देखो 9:25 के बाद एक बढ़िया मोमेंटम हुआ, उसके बाद 1 PM से देखो एक शार्प रैली देखने को, 2:15 के बाद एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को। तो इस तरह के एस्ट्रो टाइम आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा जो टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे ज्वाइन कर दे सकते हैं। मॉर्निंग में मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे जो लेवल्स भी दिए थे, बोला था कि जो 9:38 को यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखे तो यहाँ पे तो 9:38 को यहाँ पे 26:38 को बोला कि अगर 17,500 का सी अगर देखो 61 के अबव सस्टेन होता है तो एक बढ़िया मोमेंटम हो सकता है। तो यहाँ पे किस तरह का मोमेंटम किया उस सी ने वो भी अपन यहाँ पे देखेंगे, जो कि 17,500 का सी। देखो 17,500 का सी के लिए मैं आपको जो मॉर्निंग में लेवल दिया था, क्या लेवल दिया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉटम पे लेवल दिया था। देखो ऑलमोस्ट बॉटम पे लेवल दिया था जो कि 51 का लेवल दिया था। मैंने जो ट्रेड किया यहाँ पे 37 को ट्रेड किया, 51 जैसे पिछली कैंडल 51 का ब्रेकआउट दिया तो ऑलमोस्ट एक 51 से उसने 1040 तक हाई लगाया। मैंने उसको यहाँ पे 105 के रेंज में यहाँ पे बुक कर दिया, जो कि मैंने प्रीमियम चैनल में भी यहाँ पे सजेस्ट किया था। तो इस तरह के ट्रेड्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप वीडियो पूरा देखते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं मैंने अच्छा में 38 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट भी अर्न किया। हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स थे उन्होंने भी यहाँ पे ट्रेड किया। उसके बाद में यहाँ पे जो ब्रेकआउट स्टॉक्स है जो कि वीकली पे आ रहे हैं तो उसको भी अपडेट कर दिया। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे मैंने आपको हीरो जीरो ट्रेड भी दिया था, जो कि 550 का जो कि पुट 15 से ऑलमोस्ट उसने 25 तक यहाँ पे हाई लगा। उसके बाद में बोला कि यहाँ पे मोमेंटम नहीं हो रहा तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आप बुक कर सकते हैं। चलिए, अभी कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के इस वीडियो में देखने वाले। निफ्टी अगर देखे तो 17,554 पे यहाँ पे क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिले, ज्यादा कुछ यहाँ पे बढ़िया अप किया डाउन साइड के लिए नहीं देखने को रहा। यहाँ पे निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक लगा है जो कि यहाँ पे देखे तो 1 2 3 4 5 6 डेज यहाँ पे बैक टू आज भी रेड ही कैंडल बना रहा है, लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट ले रहा है। कौन सी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि बजट डे के सेकेंड डे था तो वहीं पे जो उसका जो लो था उस लो को यहाँ पे मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि 17,450 का लेवल है। जब भी 17,450 के नीचे निफ्टी चला जाएगा तो एक बढ़िया डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिलेगा। इंट्राडे के लिए प्राइस एक्शन क्या रहेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इंट्राडे के लिए प्राइस एक्शन अगर देखे तो मार्केट ने एक लो भी लगाया और एक हाई भी लगाया। देखो एक लो भी लगा, एक हाई भी लगा। अभी कल मार्केट समझो इसी रेंज में ओपन होता है तो यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। समझो यहाँ पे मेरा जो एस्ट्रो व्यू है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखे तो मार्केट ओपनिंग भी फ्लैट वगैरह होता है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ जब भी जाएगा तो इसके लिए हर्डल है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये देखना ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कि हर लेवल के ऊपर जो कि 700 का लेवल है, 680 का लेवल है, तो हर लेवल पे मार्केट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट में पैनिक सेलिंग है। लेकिन सपोर्ट फिलहाल के लिए तो यहाँ पे 520 का ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस सपोर्ट के नीचे निकल जाए तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो मेरे लिए कल के ट्रेडिंग जोन ये रहेगा, इस जोन को अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक करता है तभी मोमेंटम बनेगा, लेकिन अपसाइड के लिए मैं यहाँ पे रेडी नहीं हूँ। यहाँ पे कोई यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिलता है तो मैं सेलिंग के लिए यहाँ पे ज्यादातर प्रेफर करूंगा। सेकंड हाफ में एक सेलिंग का प्रेशर मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है। चलिए भाई, बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ओआई के बारे में देखेंगे। चलिए ओआई के बारे में बाद में देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी कहाँ पे सपोर्ट लिया, जो कि ये पिछला जो लो है जो कि 500 600 का एरिया है, तो यहाँ पे उसने मार्केट ने सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 1 2 3 4 5 5 डेज बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल बना, लेकिन आज यहाँ पे ग्रीन में क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको इंट्राडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल के लिए अगर वेबसाइट के लिए रैली आना है तो 40,150, देखो 40,150 स्विंग अगर हाई ब्रेक करते हैं तभी, और अगर डाउन साइड के लिए आना है तो 39,900।
39,900 के नीचे आता है तब एक सेलिंग का प्रेशर रहेगा। ऊपर की तरफ अगर 40,000 यहाँ पे 175 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 40,300 और उसके बाद में 40,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अभी देखो मार्केट में बहुत बढ़िया सेलिंग हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो सकता है। एक बढ़िया डाउन साइड या अपसाइड का ब्रेकआउट मिलता है रेंज को तभी एक मोमेंटम एक अपसाइड या डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगा। अभी जो ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे ज्यादा देख नहीं सकते क्योंकि अभी एक्सपायरी आज है तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा अभी थोड़ा यहाँ पे सेटल डाउन होना चाहिए। लेकिन फिर भी 2 मार्च का जो एक्सपायरी है तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है 600 के लेवल पे कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटर, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है कॉल राइटर ज्यादा है और 500 के लेवल पे पुट राइटर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए वर्क कर रहा है। जब भी 600 के अब सस्टेन करेगा तभी एक अपसाइड के लिए मोमेंटम, 500 के नीचे निकलेगा तभी डाउन साइड के लिए मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से बैंक निफ्टी अगर देखे तो बैंक निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी अगर देखे तो 40,000 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल साइड में 2,71,000, चलो यहाँ पे एक्सपायरी चेंज करना भूल गया तो एक्सपायरी चेंज कर लेते जो कि 2 मार्च का है। तो 2 मार्च के एक्सपायरी में क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे 40,000 का जो लेवल है 40,000 के लेवल पे यहाँ पे 85,000 कॉल राइटर है 88,000 पुट राइटर है। तो यहाँ पे कल देखना पड़ेगा कि 40,000 पे क्या बिल्डअप होता है क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर सेम है, यहाँ पे कुछ बिल्डअप होता है पुट साइड में या कॉल साइड में तभी यहाँ पे कह सकते कि 40,000 के लेवल को होल्ड कर पाएगा या नहीं। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा कि जो कि 40,200 के लेवल पे अच्छा सा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है, 400 के लेवल पे अच्छा सा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे कॉल राइटर यहाँ पे आते हैं नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ पे निफ्टी ट्रेडर का वेबसाइट जो है यहाँ पे ऑप्शन चेन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश का भी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि ऑटो रिफ्रेश कर देते हैं ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे रिफ्रेश होता है और कहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है वो थोड़ा फर्क देखने को मिल रहा है, ओआई कहाँ पे बढ़ रहा है उसके साथ आपको डेल्टा भी यहाँ पे देखने को मिल, उसके बाद पीसीआर भी देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ पीसीआर मैक्स पेन भी देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई प्रमोशन वगैरह नहीं लेकिन यहाँ पे इजी हो जाता है आपको कि किस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा बढ़ रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस में पुट राइटिंग हो रहा है, किसका डेल्टा ज्यादा है, कॉल लेने का है तो किसका डेल्टा ज्यादा है तो उसमें ले सकते हैं एंड ऑल, तो ये आपको हेल्प हो जाता है। तो चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू बताता है, फिन निफ्टी एक बार देख लेते हैं कि फिन निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, फिन निफ्टी के लिए कौन से लेवल लेवल इंपॉर्टेंट है। फिन निफ्टी ने परफेक्ट जो सपोर्ट लिया आज का डे लो बजट डे के जो नेक्स्ट डे था उसका लो के यहाँ पे नियर बाय मार्केट यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर फिन निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रखे, फिन निफ्टी ने भी देखो एक बढ़िया रेंज बनाए, देखो रेंज बढ़िया बनाए यहाँ पे, ये अगर रेंज जब भी ब्रेक करेगा जो कि 18,000 18,000 18,050 के अबव सस्टेन करेगा तभी मैं अपसाइड के लिए यहाँ पे सोचूंगा। 18,000 18,050 के यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है तो एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। अभी जो स्विंग लो है जो कि 17,800 का लो, यहाँ पे 17,800 के नीचे अगर देखे तो यहाँ पे फिर से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो फिन निफ्टी में कल इसी रेंज में ट्रेड बनेगा, इसी रेंज को अपसाइड या डाउन साइड जब ब्रेक करेगा तो फिन निफ्टी में एक ट्रेड अपसाइड या डाउन साइड के लिए बनेगा। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस तरह से यहाँ पे कल के ट्रेडिशन में ट्रेड कर सकते हैं उसका लॉजिक मैंने बता दिया। और हम जो यहाँ पे पुट देख रहे थे जो कि 17,550 का, देखिए यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम उसने यहाँ पे 40 तक चला गया। तो जिसने भी अगर यहाँ पे हमारे हमने जो दिया था 550 का लेवल का इसको तो उसने यहाँ पे 42, हर रोज आपको लाइव में अपडेट अगर चाहिए तो यहाँ पे मेरा जो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं।